अब तक के डेविल गॉड के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन को शिनचैन और चॉप के मौत के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है वो देखता है शिनचैन और चॉप पूरी तरीके से मर चुके हैं। ये देख के फ्रैंकलिन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर की यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो डेविल क्वीन से लड़ पड़ता है। दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट चलती है और उसमें डेविल क्वीन हार जाती है और फ्रैंकलिन अपनी शक्तियों से उभर नहीं पाता। उसके ऊपर यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ हावी हो जाती है, लेकिन कैसे वैसे करके वो उस शक्तियों को थोड़ी देर के लिए दबा देता है। लेकिन फ्रैंकलिन को शिनचैन और चॉप को बचाने के लिए यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ अपने अंदर लानी पड़ेगी। इसके बारे में फ्रैंकलिन कंफ्यूज है, क्या वो यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ अपनाएगा या उसे छोड़ देगा। अब आगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी डेविल्स की सेना थी, वो कहाँ पे चली गई? अचानक से मैदान साफ कैसे हो रहा है? ये लोग जा कहाँ पे रहे हैं? लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए सारे के सारे डेविल्स एक तरफ जा रहे हैं। हम लोग अर्थ के डेविल्स यहाँ पे अकेले बचे हुए हैं। ये कोई तो सिग्नल है जिसकी तरफ सारे के सारे डेविल किंग्स बढ़ रहे हैं और सारे डेविल बॉस भी उस तरफ ही जा रहे हैं। पाताल लोक के नर्क के डेविल्स भी उस तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एक दिशा के ऊपर है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ वहाँ पे क्या चीज है। तुम यहाँ पे क्रेटोस? हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने शिनचैन और चॉप को डेविल क्वीन के साथ छोड़ के आया था। उसने मुझे वादा किया था कि वो दोनों बच्चे को कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन उसने शिनचैन और चॉप को मार दिया। फ्रैंकलिन के अंदर की यूनिवर्सल की ताकत फ्रैंकलिन के ऊपर हावी हो रही है। बेवकूफ, यही तो डेविल क्वीन का प्लान था, तुमने उसके प्लान में घी डाल दिया है। फ्रैंकलिन यूनिवर्सल डेविल किंग बनने ही वाला है। शिनचैन और चॉप के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करते थे, तुमने उन दोनों को मरवाया। क्रेटोस, अगर ये हकीकत में हुआ है और डेविल क्वीन यही चाहती है यूनिवर्सल डेविल किंग को आजाद करना, तो बहुत बुरा हुआ। हम ही नहीं, डेविल क्वीन के प्लान में उसकी मदद की है। अब फ्रैंकलिन शिनचैन और चॉप को बचाने के लिए कोई भी हथियार कर सकता है, मैं उसे जानता हूँ। शिनचैन और चॉप के लिए वो अपनी जान दे सकता है या किसी की भी जान ले सकता है, भले वो अपनी यूनिवर्सल डेविल किंग की ताकत भी हासिल करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। ये क्या कर दिया क्रेटोस? मुझे माफ कर देना, मुझे लगा डेविल क्वीन मेरे साथ अच्छे से बात कर रही है, पता नहीं था ये इतना बड़ा प्लान है। अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। डेविल बॉस, लगता है पूरा का पूरा शहर डेविल से गायब हो चुका है। पता नहीं सारे के सारे डेविल गॉड्स कहाँ पे चले गए। क्या तुम दोनों भी यहाँ पे? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ सही कहा, मैं यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डेविल क्वीन ने सारे के सारे डेविल किंग्स को अपनी तरफ बुलाया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एक बहुत बड़ी जाल है। तुम चाल कहना चाहते हो? बेवकूफ, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान मत दो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बॉस, अब क्या करें? मुझे लगा ही था ये सब कुछ धरती लोक के ऊपर कब्जा करने के लिए है। ऐसा क्यों? धरती लोक में ऐसा है क्या? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, इस पृथ्वी के ऊपर इन लोगों को क्या मिल सकता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सारे के सारे डेविल किंग और डेविल क्वीन की बातें क्यों मार रहे हैं? तुम दोनों जरा शांत रहो, इतिहास फिर से अपने आप को रच रहा है। क्या कहा? इतिहास, ये क्या होता है? लगता है तुमने कभी इतिहास पढ़ा नहीं है। हमारे पूरे धरती लोक के ऊपर डेविल्स का जन्म हुआ था, ये डेविल्स की जन्मभूमि है, इसीलिए वो इस जमीन को हासिल करने के लिए वापस आ रहे हैं। पिछली बार वो इसी रीजन से आए थे अर्थ के ऊपर, कि सारे के सारे धरती लोक के ऊपर राज करने के लिए। बहुत साल की बात है, जब यूनिवर्सल डेविल किंग धरती के ऊपर तबाही मचा रहा था, तभी सारे के सारे डेविल्स एक साथ हुए थे यूनिवर्सल डेविल किंग को मारने के लिए। जैसे ही यूनिवर्सल डेविल किंग को मार देंगे तो ये सारी की सारी धरती लोग उन लोगों के कब्जे में आ जाएगी जहाँ पे उन डेविल्स का जन्म हुआ है, यही वो चाहते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर वो यूनिवर्सल डेविल किंग को मारना ही चाहते हैं तो फ्रैंकलिन के अंदर वो उसे आजाद क्यों कर रहे हैं, उसे कैद क्यों नहीं रह देते थे? ये तो बराबर बोल रहा है, ऐसे खाओ नहीं तो उल्टा खाओ, वो लोग खाना क्यों खाना चाहते हैं? तुम्हारी बात मुझे हजम नहीं हुई, क्या बोले तुम्हें खुद को नहीं पता? माफ कर देना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर यूनिवर्सल डेविल किंग जब तक जिंदा रहेगा, उसकी ओरा, उसकी एनर्जी और तो और उसने कई राज अपने अंदर छुपा के रखे हैं, तो सारे के सारे डेविल्स चाहते हैं कि हम लोगों की शक्तियाँ कहाँ से आती है, कहाँ से इन सारी शक्तियों का जन्म होता है, अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन यूनिवर्सल डेविल किंग को ये चीजें पता है, इसीलिए वो उसे आजाद करके उसे मारना चाहते हैं। जैसे ही वो मरेगा तो उसकी जो आत्मा है उसे कैद करके
सारे सवाल पूछे जाएंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चलो, क्या कहा तुमने, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, तुम भाग रहे हो। हाँ सही कहा, मैंने तो मेरे सारे के सारे भाई को यानी डेविल ब्रदर्स को यहाँ पे बुला लिया है। तुम बहुत गलत कर रहे हो, सारे के सारे डेविल्स को यानी धरती लोग के डेविल बॉसेस को, जो भी बच्चे है, जो भी जिंदा है, उन सबको बोलो हमें धरती छोड़नी होगी, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते हो फ्रैंकलिन यूनिवर्सल डेविल किंग को आजाद करने वाला है। क्या कहा, शिट, इसीलिए तो हमें भागना होगा, क्योंकि एक बार फ्रैंकलिन ने यूनिवर्सल डेविल किंग को अपने अंदर बुला लिया तो वो हर एक डेविल को खत्म करेगा। वो नहीं देखेगा कि धरती लोग के डेविल बॉस है या पाताल लोग के नर्क के डेविल से। तो चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे बाप रे बाप, भाग रहे हो आप? ओ माय गॉड, आप भाग रहे हो? सही कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मैं तो चला धरती लोग छोड़ के। भागो, क्योंकि अब फ्रैंकलिन सारे डेविल बॉसेस और डेविल किंग को खत्म कर देगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे आएंगे। जल्दी चलो। ओके बॉस, हम लोग आ रहे हैं। वो समय आ चुका है, अब हम लोग जरूर जीतेंगे। फ्रैंकलिन ने मुझे हराया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं इस हार का बदला जरूर लूंगी फ्रैंकलिन तुझसे। तू जल्दी अपने अंदर यूनिवर्सल डेविल किंग को आजाद करवाएगा, क्योंकि तेरे दोस्त धीरे धीरे मर रहे हैं। और मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल चुकी है, अब तुम जल्दी मेरे सामने खड़े रहोगे यूनिवर्सल डेविल की। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इतिहास कैसे अपने आप को दोबारा रचता है। पिछली बार तुमने मुझे कैसे हराया था मुझे अच्छे से याद है, लेकिन इस बार धरती लोग के ऊपर एक जंग होगी, डेविल्स वर्सेस यूनिवर्सल डेविल, उसमें हम जरूर जीतेंगे। बहना मैं आ गई हूँ, तुम सब लोग आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सारे के सारे डेविल बॉसेस, लगता है तुम कुछ भूल गए हो, मैं समंदर का डेविल किंग हूँ, मैं डेविल बॉस नहीं हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम डेविल बॉस है, हम डेविल किंग से, मैं स्पेस का डेविल किंग। सही कहा, मैं आसमान का डेविल किंग। मैं तो इनमें से कोई भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को डेविल ही नहीं मानता, मैं डेविल किलर हूँ। तुमने हम सबको यहाँ पे बुलाया है, क्या वो आ गया? तुमने हमें डेविल किंग नहीं पुकारा, तुमने हमें डेविल बॉस पुकारा है, इसका मतलब तुम भी अब डेविल क्वीन नहीं, तुम्हें एक डेविल गर्ल बनी हो, एक मामूली डेविल गर्ल। सारे बियन लेडी को पता था कि वो आजाद होने वाला है। तुम सबको मैं बता देती हूँ, अब हम में से कोई भी डेविल किंग नहीं है, इस दुनिया के ऊपर एक ही डेविल किंग है, जो कि अब फ्रैंकलिन के अंदर है, वो आजाद होने वाला है, हमें तैयार रहना होगा। वो कभी भी हम सबको मारने के लिए यहाँ पे आ सकता है। सारे डेविल बॉसेस, एक और बार जंग की शुरुआत करने के लिए तैयार हो, हम मैदान में उतरे हुए है। फ्रैंकलिन जल्दी करो, हम यही पे है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता। गाइस, मैं अपनी शक्तियों को नहीं बाहर निकालूंगा, यूनिवर्सल डेविल किंग की शक्तियाँ मेरे अंदर कैद है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने उन शक्तियों को आजाद कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा रहूंगा, मैं पूरी तरीके से बुरा बन जाऊंगा, और बुरे बनने के बाद मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, और तो और मैं पूरे शहर में तबाही मचा दूंगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मैं इन शक्तियों को अगर बाहर नहीं ला पाया तो शिनचैन और चॉप मेरे आसपास भी नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे, वो पूरी तरीके से मर जाएंगे, क्योंकि डेविल्स के साथ रह रहे के मैंने एक बात तो सीख ली है, जो भी इंसान मरता है या डेविल्स मरता है तो उसके बाद उसकी जो आत्मा होती है वो थोड़ी देर के लिए उसके ओरे के पास रहती है, और उसकी एनर्जी लेवल भी वही पे रहती है। अगर उस एनर्जी लेवल को हम लोग कैप्चर कर सके तो हम उस इंसान को वापस ला सकते है, उसको फिर से जिंदा कर सकते है, लेकिन वो बस एक ही बंदा कर सकता है जिसने इस दुनिया को रचा है, यानी यूनिवर्सल डेविल किंग। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए। क्या करूं? शिनचैन चॉप, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, माफ करना, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बहुत बुरा बन जाऊंगा, पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, और तो और मेरी शक्तियाँ इतनी खतरनाक है कि मैं किसी इंसान को जिंदा तक नहीं छोड़ूंगा, सारे इंसानों को मार दूंगा, और मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। शिनचैन चॉप, तुम मेरे साथ थे, मेरे साथ हो, मेरे साथ रहोगे, क्यों?
मुझे तो लगता है ये जानबूझ के किया है। शिनचैन और चॉप की तो कोई चाबी भी नहीं है, उनके पास ना तो कोई पावर है और पावर थी। मैं नहीं करूंगा इस चीज को आजाद। लेकिन वेट अ सेकंड, एक चीज तो मैंने अभी तक इग्नोर की थी, शिनचैन और चॉप अगर चाबी है ही नहीं, उनको मार के कोई ताकत हासिल की ही नहीं जा सकती, वो एक मामूली बच्चे है, वो तो किसी की चाबी नहीं हो सकती, तो क्यों मारा शिनचैन और चॉप को? मतलब मेरे अंदर की डेविल्स को जगाने के लिए जानबूझ के? मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है? मेरे अंदर जो यूनिवर्सल डेविल किंग को आजाद करने का मेरा ख्याल है उसे जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है, बस डेविल किंग से लड़ने के लिए। यूनिवर्सल डेविल किंग से तुम लोगों की दुश्मनी है और तुम लोगों ने उसे मेरे अंदर डाला और शिनचैन और चॉप को मार दिया। मतलब ये जानबूझ के किया है सरेबियन लेडी तुमने? मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये जानबूझ के किया है या मजबूरी में किया है, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ शिनचैन चॉप, मैं तुम्हें आजाद करने जल्दी आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बॉडीज को ग्रेवयार्ड में रखा है, मैं तुम्हें अलविदा कहने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें वेलकम करूंगा, क्योंकि अब मैं अपनी शक्तियों को यूनिवर्सल डेविल किंग के हवाले कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत टाइम से बातें कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम्हें तुम्हारे शिनचैन चॉप चाहिए, सही कहा ना? हाँ मुझे वही चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो? मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें अपना शरीर मुझे सौंपना होगा, और उसके बाद एक और चीज तुम्हें मुझे देनी है, ये पूरी धरती। क्या कहा? नहीं ये नहीं कर सकता मैं, तो तुम इंसानों को मार दोगे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं किसी इंसान को नहीं मारूंगा, चाहे तो मैं तुम्हें एक डेविल किंग बनाऊंगा। मुझे बस इस धरती लोग पे राज करना है, मुझे किसी को मार के क्या मिलेगा बताओ फ्रैंकलिन? वो भी बराबर है, अगर तुम पूरे इंसानियत को मार दोगे तो तुम राज किसके ऊपर करोगे? ओके मैं अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के तुम्हें ये पूरी धरती लोग सौंप दूंगा, सारे एवेंजर्स, सारे मेरे दोस्त तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन जब जब तुम बुरे काम करने के लिए आगे आओगे तब हम तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। डील पक्की, तो चलो मुझे आजाद करो। ओके यही मौका है तुम्हें आजाद करने का, शुरू हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ यूनिवर्सल डेविल किंग, तुम मेरी इस बॉडी को हासिल कर सकते हो। ये हुई ना बात, मुझे अपना शरीर सौंप दो फ्रैंकलिन। मैं तुम्हें अपना पूरा शरीर सौंप रहा हूँ, आ जाओ और वादा मत भूलना डेविल किंग, यूनिवर्सल डेविल किंग, तुम मेरी बॉडी को हासिल कर सकते हो। अब मैं तुम्हारी बॉडी को हासिल करने वाला हूँ। मेरे साथ हो क्या रहा है? तुम धीरे धीरे सो रहे हो और अब मैं जाग रहा हूँ। It's time to kill all devil boss. तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं मारोगे। मैंने कहा था इंसानों को नहीं मारूंगा, मैं सारे devils को मारूंगा। ये नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। तुम्हें सोना होगा, मैं आजाद हो चुका हूँ। ये हो क्या रहा है? सो जाओ फ्रैंकलिन, सो जाओ, आई एम बैक। मैं आजाद हो चुका हूँ फ्रैंकलिन, तुम्हारी बॉडी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाऊंगा और मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। तुम सो जाओ फ्रैंकलिन, मैं हूँ यूनिवर्सल डेविल किंग। मुझे आजाद कर दिया तुम सब ने, कितने बेवकूफ हो तुम सब लोग। यूनिवर्सल डेविल किंग को आजाद करने का मतलब है अपने आप के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर को ही अपने हाथों से काट डालना, और अब मैं अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, ये धरती लोग तो पहले से ही अजीबोगरीब थी, अब तो और खतरनाक बन गई। Awesome. यूनिवर्सल डेविल किंग को आजाद करने के बाद फ्रैंकलिन को मैंने सुला दिया। ओह माय गॉड, ये क्या चीज है? ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लगता है बहुत समय हो गया कि मैं सो रहा था और मुझे आजाद करने वाला एक इंसान है। लगता है मुझे आजाद करने के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये सब कुछ यूनिवर्सल डेविल किंग को मारने के लिए तो नहीं है।
लगता है कोई मुझे मारना चाहता है, और पता है वो कौन है? सारे के सारे डेविल बॉसेस। मैंने तुमको रचा, तुम्हें बनाया, और तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ही मारना चाहते हो? लगता है जंग के लिए तुम तैयार हो, लेकिन पिछली बार तुम मेरे सामने 2 मिनट तक नहीं टिक पाए, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम बचोगे? नहीं, इस बार यूनिवर्सल डेविल किंग खत्म करेगा फाइनली सारे डेविल बॉसेस को जो भी इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। सारे डेविल बॉसेस, तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। मैं हारा हूँ डेविल क्वीन। नहीं, तुम अब डेविल क्वीन नहीं हो, तुम तो बस एक मामूली डेविल गर्ल हो। हारा हूँ मैं। इट्स टाइम टू फिनिश ऑल डेविल बॉसेस। ओह माय गॉड, मुझे लगता है वो आ गया। मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तुम उसे महसूस कर रहे हो? मैं उसे देख रहा हूँ। सामने देखो, लगता है अब हम सबकी मौत आई है। मुझे लगता है हम लोगों ने इसको आजाद किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। हम इसके सामने पिछली बार 2 मिनट भी टिक नहीं पाए थे, अब तो ये बहुत ताकतवर हो गया है। बहना, वो देखो, वो आ गया। क्या कहा? मैं जिसका इंतजार कर रही थी, तुम आ गए यूनिवर्सल डेविल किंग। मैं तुम सबको खत्म करने के लिए आया हूँ। तुम लोगों को लग रहा है तुम मेरे सामने टिक पाओगे? हम यहाँ पे दुनिया के सबसे पहले 7 डेविल से, जिसे तुमने पिछली बार भी हराया था, लेकिन इस बार हम बहुत ताकतवर हैं। ऐसी बात है तो अपनी ताकतों को आजमाने का समय आ चुका है। देखते हैं कि तुम सब लोग मेरे सामने कितनी देर तक टिकते हो। तुम सब लोगों का मरने का समय आ चुका है। मुझे तो डर लगने लगा है। मुझे भी डर लगने लगा है। ये जैसे जैसे धीरे बढ़ रहा है, लगता है हम मर जाएंगे। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हम लोग 7 डेविल से, हम लोग इसके सामने टिकेंगे और इसे खत्म कर देंगे। तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने टिक पाओगे? क्योंकि अब मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। तुम सारे के सारे एक ही झटके में मरने के लिए तैयार। ये क्या हो रहा है? हम लोग हिल नहीं पा रहे हैं। तुम देखो, ये इतिहास रचने वाला है। तुम 1 मिनट से ज्यादा मेरे सामने नहीं टिक सकते। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? मुझे भागना होगा। डेविल किंग मर गई। मुझे लगा ही था हमारा ये प्लान फ्लॉप कर देगा। आसमान का डेविल किंग आ रहा है। तुम सबको क्या लग रहा है? मुझे आजाद करने के बाद तुम इतनी जल्दी भाग सकोगे? तुम मरोगे। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। मैं भी गया यहाँ से। सारे के सारे फिनिश, और तुम्हारा भी अंत मैं करता हूँ। सारी की सारी आत्माएं खत्म। मैं हूँ डेविल बॉस, और आने वाला काल। क्या हो रहा है? मेरी ताकत है। मैं तुम्हें अपने ऊपर काबू करने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ एक खेल खेला। मुझे पता था कि 7 डेविल से लड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया बेवकूफ। क्या कहा फ्रैंकलिन? वादे का क्या हुआ? मैं नहीं चाहता शिनचान और चॉप को जिंदा करना। मैं बस 7 डेविल किंग को खत्म करना चाहता था, जो कि हमारे धरती लोग के ऊपर बुरे काम करने के लिए आए है, और वो हो चुका है। क्या तुम अपने दोस्त को नहीं बचाओगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बुरे काम नहीं करूंगा। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। ये क्या हो रहा है? नहीं फ्रैंकली, मैं वापस जरूर आऊंगा। आउच 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 आउच, बहुत जोर से लगा। मैंने कर दिखाया गाइस। मैंने इस्तेमाल किया यूनिवर्सल डेविल किंग का, और मैंने सारे डेविल्स का किस्सा खत्म कर दिया, जो कि अर्थ के ऊपर बुरे काम करने के लिए आए थे। हमने डेविल्स के ऊपर जंग जीत ली। अच्छा लग रहा है। ये बहुत कठिन था, लेकिन हमने कर दिखाया गाइस, हमने कर दिखाया। इसके ऊपर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत नियर है, तो फटाफट सब्सक्राइब ही। लेकिन मैंने शिनचैन और चॉप को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी रेड लैंटर्न की ताकत उन सबको जिंदा करने के लिए काफी है। और अब तो पूरे धरती के ऊपर से डेविल्स मर गए होंगे। कोई भी डेविल्स जिंदा नहीं रहा। धरती लोग के भी डेविल्स मर गए होंगे। क्या करूं अब? यहाँ पे उन दोनों के बिना पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। और मौसम भी अब धीरे धीरे साफ हो ही रहा है। और ये लो, हो गई मौसम की बरसात खत्म। और क्या ही सूरज मामा आ गए हैं। लेकिन शिनचैन चॉप, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। अरे फ्रैंकलिन भैया! ओह माय गॉड, फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे देखो। ऐसा भी लग रहा है कि तुम लोग मुझे आवाज दे रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया, मैंने तुम्हें जिंदा नहीं किया, तो ये बस एक इमेजिनेशन है। फ्रैंकलिन पीछे देखो। वेट अ सेकंड, तुम सब लोग जिंदा
जिंदा हो कैसे? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। चलो अब धरती लोक के डेविल बॉसेस तो जिंदा है और अब डेविल किंग तो आप ही हो बॉस। अरे मुझे शर्माओगे क्या, अब मैं ही हूँ डेविल किंग इस धरती लोक का। और हम अब डेविल से नहीं डरते फ्रैंकल भैया। अरे भाई तो हम लोग जिंदा हो गए। ये डायनासोर जैसे दिखने वाले डेविल्स ने हमें जिंदा किया है। क्या इसने? डेविल ब्रदर्स तुम्हारा शुक्रिया। जैसे ही शिंचन और चॉप मर गए इसे खबर आ गई और इसने अपनी शक्तियों से शिंचन और चॉप को आजाद कर दिया। लेकिन ये बात क्यों नहीं कर रहा है? शिंचन और चॉप को जिंदा करने में उसने अपनी वाणी खो दी, मतलब आवाज खो दी है। अरे यार बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, मैंने तुम लोगों को बचा लिया। हम लोग अर्थ छोड़ के मून के ऊपर गए थे, इसीलिए अर्थ के डेविल बॉसेस जिंदा है। और अब यहाँ पे मजा आएगा, कोई डेविल सी नहीं। क्रेटोस तुम्हें कुछ देना है क्या? तुम मुझे गिफ्ट दोगे? हाँ ये रहा गिफ्ट, ये ले। ये क्या था? बाप रे बाप। शिनचैन और चॉप को डेविल क्वीन के हवाले करने के लिए लगता तो है डेविल किंग्स का हिस्सा खत्म हो चुका है। अब मैं अकेला ही डेविल सू। चलो अंध भला तो सब भला। सो गाइस ये था आज का एपिसोड। यहाँ पे ये पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो जाती है और हमने डेविल्स के बुरे कर्मों को हरा दिया है। तो आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी? और आप लोगों ने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से भी अब इसी पूरी सीरीज चेक कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही ऑसम सीरीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। मिलेंगे एक और अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।